विद्यालय नहीं होने से फुलवरिया गाछी टोले के बच्चे शिक्षा से हो रहे वंचित। ग्रामीण ने दिया नारा, स्कूल नहीं तो वोट नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव में करेंगे वोट का बहिष्कार। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा, बेगूसराय। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव 15 मई को होना है। इस बीच अपनी मांगों को लेकर मतदाताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। सीधे चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी देने लगी है। इसी कड़ी में तेघड़ा प्रखंड व बरौनी नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 3 गाछी टोला पोवड़िया जो 9000 आबादी वाली दलित और अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, जहां वोटर की संख्या 2500 से अधिक है। यहां पूर्व में सामुदायिक भवन में क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार के दायरे में लाने हेतु नवसृजित विद्यालय संचालित हो रहा था, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण उस विद्यालय को दूसरे क्षेत्र के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। इसके बाद से बच्चे 3 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बहुत से बच्चे 3 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के नौनिहाल बच्चे शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे। इस मूलभूत समस्या को लेकर रविवार को गांव के ग्रामीणों ने गांव में प्राथमिक विद्यालय की मांग को लेकर न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की बल्कि चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी। विद्यालय नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। स्थानीय वार्ड पार्षद खुशबू कुमारी एवं पूरे क्षेत्र के लोगों ने चंदा चुक्की व सामूहिक प्रयास से विद्यालय के नाम से 2 कट्ठा जमीन भी रजिस्ट्री करवाया। विद्यालय की स्थापना के लिए जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार तथा स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर अवगत कराया गया, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन तथा स्थानीय सांसद द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर गांव के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। शिक्षा मंत्री से लेकर सभी जगह गुहार लगाने के बाद थकहार कर लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का मन बना लिया है। वार्ड पार्षद खुशबू कुमारी, जदयू नेता प्रधान राय, समाज सेवी मनोहर प्रसाद, सोहन महतो आदि ने बताया कि अगर इस क्षेत्र में स्कूल होता तो बच्चों की पढ़ाई में आसानी होती। पूर्व में नवसृजित विद्यालय भी संचालित होता था जो दूर के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद अभी तक स्कूल नहीं बना। यह सरकार की शिक्षा के नाम पर खोखली दवा साबित हो रहा है। इसके लिए प्रयास भी किया गया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वही संजीव शर्मा, संजीव कुमार कुल्लू, वैद्यनाथ महतो, शंकर रजक आदि ने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों वर्षों से यहां विद्यालय बनाने का आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन आजादी के 77 वर्ष बाद भी यहां स्कूल नहीं बन पाया, जिसको लेकर करीब 9000 आबादी के बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। वही पूर्व के नवसृजित विद्यालय सेल सामुदायिक भवन के सामने आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक महिला एवं पुरुष ने एक मीटिंग कर तय किया कि अगर एक पखवाड़े के अंदर व्यवस्था लागू नहीं की गई तो चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। मौके पर देवेंद्र प्रसाद, घनश्याम यादव, सुनैना दास, सुरेश भगत, बबलू कुमार, सीमा देवी, मीना देवी, कृष्णा देवी, कुमारी अनुराधा, बिंकू देवी सहित सैकड़ों क्षेत्र लोग मौजूद थे। यहाँ की पार्षद खुशबू कुमारी और उनकी अभिभावक का गणमान्य व्यक्ति जो थे उनका इस टोला वार्ड नगर परिषद 3 में सभी आदमी के सहयोग से जमीन लेने का काम हुआ और जमीन लेके यहाँ से लेके MP जो गिरिराज सिंह जो अभी प्रत्याशी के रूप में खड़ा है उनके यहाँ भी ये लोग गए, लेकिन ये नज़रअंदाज कर दिए। इसलिए नज़रअंदाज कर दिए कि यह बेगमट इलाका में सुतर के बेटा पढ़ लिख के कहाँ जाए, और नज़रअंदाज करने का मतलब वो मेरा मंत्री भी थे और सांसद भी, वो चाहते चुटकी बजाते तो हो जाता, लेकिन चलते चलते लोग इतनी प्यासा हो गया है। होना बिहार सरकार या भारत सरकार की असफलता का ही प्रतीक हम लोग मान रहे हैं। तो हम आज उन सभी पदाधिकारीगण से और सभी मंत्री महोदय से और सरकार में जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस पिछड़ा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आप लोग का सार्थक सहयोग चाहिए, ताकि इस गांव में, इस समाज में एक विद्यालय हो और इस गरीब गुरबा का बच्चा जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकता है, जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, उसका भी बच्चा शिक्षित होकर के इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए कुछ बेहतर भूमिका निभा सके, यही हम लोग आशा करते हैं और यही मांग भी करते हैं कि हम लोग का आवाज़ को सुना जाए, हम लोग का आग्रह पर विचार किया जाए ताकि यहाँ एक विद्यालय खुल सके। क्या निर्णय लिया गया? आज हम लोग मजबूरन बाध्य होकर के आगामी लोकसभा चुनाव में अपने आप को मतदान करने से बाहर कर रहे हैं।
कि सरकार अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं, संबंधित पदाधिकारी अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं, तो 13 तारीख को होने वाले मतदान में हम लोग अपने आप को बाहर कर लेंगे कि सरकार आप। हम लोग सर सारे पदाधिकारी जन के पास गए, उसके बाद सर हम लोग सर ग्रामीण विकास सर्वन ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार सर के पास गए, उसके बाद सर भारत केंद्र सरकार के भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनके तक सर हम लोग गए, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं है। क्या परेशानी होती है बच्चों को? सर यहाँ के बच्चों नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं सर, यहाँ से सर 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे सर एक विद्यालय है, ठीक है सर, तो बच्चों की सर परेशानी होती है सर जाने में। सर हम लोग यथाशीघ्र सर प्रयास कर रहे हैं जो विद्यालय यहाँ से, पहले तो सर सब बोलते थे क्या जो ये भूमि नहीं है इसीलिए सर, अब तो भूमि का व्यवस्था भी सर हम लोग अपने निजी कोष से सर कर दिए हैं सर, फिर भी सर कोई मतलब सुनवाई नहीं होती। इससे परेशानी क्या होती? परेशानी हम लोग का बच्चा उतना दूर नहीं जा सकता, जाए बच्चा नहीं जा रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, नहीं मिल रहा। तो आप लोग का क्या निर्णय क्या है? यही है कि विद्यालय बने और हम लोग को बच्चा जितना मोहल्ला में आज में हम लोग को बच्चा यहाँ पर है, यही है, हम लोग नहीं मिलेगा, नहीं हम लोग को विद्यालय बनेगा, हम लोग नहीं वोट गिराएंगे। नाम संजीला कुमार।